हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिपब्लिक डे सर्टिफिकेट कैसे बनाए। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर देना है और आपको सर्च बार में सर्च कर देना है mygov.in/ करना है RD2023 और स्लैश करना है और आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा पेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर देना है, तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, पूरा नाम डाल देना है और आपको यहाँ से सिलेक्ट से आपको अपना जो भी स्टेट हो इसको सिलेक्ट कर देना है और इसके बाद टोटल अटेंडेंस में आप कितने लोगों को इस सर्टिफिकेट में शामिल करना चाहते हैं उसका अंक डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने मिलेगा ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और गेट OTP पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने आपको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर शोविंग सॉलिडरी फॉर द 74th रिपब्लिक डे। यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली शेयर करना चाहते तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप इस सर्टिफिकेट को कहीं भी शेयर कर सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते तो सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये सर्टिफिकेट आपके मोबाइल PC या लैपटॉप में कहीं भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते तो डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।